ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने तीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि स्टार टू डेल्टा एफ ए के डेल्टा टू स्टार से रिलेटेड था भाई। आज के सेशन भाई हम लोग न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करेंगे और इस सेशन में 4 से 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे भाई। टोटल आपके बुक में 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 13 के 13 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को कवर किया है, आज के सेशन भाई कोशिश करेंगे 5 क्वेश्चन कवर कर लें तो टोटल 10 हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और रह जाएगा तो भाई एक और लेक्चर मिलेगा, उसमें आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग एसी नेटवर्क में जा करके भाई स्टार टू डेल्टा एफ ए डेल्टा टू स्टार वाले कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई आपका यहाँ पे नेटवर्क दिया हुआ है। ओके, आपको यहाँ पे आर इक्विवेलेंट बताना है भाई, है ना, टर्मिनल ए से लेके बी तक में। या फिर यहाँ पे आप एक इस तरीके से सोर्स कनेक्ट कर दीजिए तो भाई यहाँ से करंट फ्लो होगा, है ना, तो यहाँ पे आते ही डिवाइड होगा भाई, तो आर इक्विवेलेंट बताना है। और कल ही मैंने आपको समझाया था भाई कि ये जो आपका नेटवर्क दिया हुआ है इसमें बहुत ही मुश्किल होता भाई ये पता करने के लिए कि भाई कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, है ना। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं भाई। अब कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, स्टार टू डेल्टा या फिर कहिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन वाला। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो भाई ये अपने आप में डेल्टा कनेक्टेड है कि नहीं है बोलिए, है ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग स्टार में करते हैं भाई। और हमेशा मैंने आपको बताया भाई इनके वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले, जैसे डेल्टा दिया हो भाई इसको स्टार में लेके जाना, तो स्टार का जो भी वैल्यू आएगा उसको फाइंड आउट करने से पहले आप यहाँ पे नेटवर्क में कनेक्ट करके देखिए भाई कि इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, है ना। तो ये चीज़ पहले करना होता है भाई, उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन कीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे नेमिंग कर देते भाई, ये मान लेते मेरा सी पॉइंट है, उसके बाद ये मान लेते भाई मेरा ए पॉइंट है, या फिर ए भी तो है ना, आप इसको पी क्यू मान लेते हैं, ये मान लेते पी पॉइंट है, मेरा क्यू पॉइंट है भाई। तो अगर मैं यहाँ पर इसको बाहर निकालूँ, ठीक है, ये मेरा बी सोम है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है भाई, उसके बाद पी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सी पॉइंट पे, देख रहे हैं, और फिर क्यू पॉइंट से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है भाई अगेन सी पॉइंट पे, एक है 5 ओम और एक है भाई आपका 15 ओम, ठीक है। ये मेरा डेल्टा कनेक्टेड है इस तरीके से, तो कैसे मतलब कहाँ पे डेल्टा है कहाँ पे स्टार, ये सब आपको देखना आना चाहिए भाई। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, स्टार में लेके जा रहे हैं भाई, इसमें स्टार बना देते हैं। ओके, ये स्टार हो जाएगा, नेमिंग कर लेते भाई R1, R2, R3। तो इस तरीके से हम लोग का बनेगा, यानी हम लोग अगर इस नेटवर्क को देखें तो भाई मेरा नेटवर्क कैसा बनेगा, 10 ओम वैसा का वैसे ही रहेगा, 10 ओम जो है पी पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, सही बात है, तो पी पॉइंट पे एक जुड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इधर ऐसे दिखा देते हैं ना जो रिमेनिंग है। ओके, और ये एक तरीके से सी पॉइंट है, उसके बाद इधर आपका एक और एक क्यू पॉइंट है ना भाई, इधर क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट से आगे इसको हम लोग इधर करते हैं थोड़ा, ये P पॉइंट है, Q पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है, इधर ये Q पॉइंट है मेरा, ओके, और ये मेरा B पॉइंट है भाई, यहाँ पे A पॉइंट है। तो अब देखिए ये जो स्टार कनेक्टेड है मेरा, इसको कनेक्ट करना भाई, तो एक P से कनेक्टेड है, है ना, इसको मान लेते हैं ये S मान लेते भाई, तो P से हम लोग S पे जाएंगे, ये S हो गया, फिर S से मेरा Q में जुड़ा हुआ है, ठीक है, Q में जोड़ दिया, और फिर S से मेरा भाई किस में जुड़ा हुआ है, एक तरीके से यहाँ पे ये C पॉइंट से जुड़ा हुआ है, नहीं इसको आप आगे कर लीजिए, है ना, इसको आप ऐसे दिखा दीजिए भाई ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया भाई। तो ऐसा करने से हम लोग क्या बेनिफिट मिल रहा है कि भाई ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, ठीक है, ये तीनों फिर सीरीज़ में हो जाएंगे, है ना, और फिर ये सीरीज़ में हो जाए तो हम लोग का नेटवर्क काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा भाई, यानी ये स्टेप करना हम लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो इसका अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते भाई। तो अगर हम लोग यहाँ पे R1 की बात करें, R1 क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों का प्रोडक्ट, यानी 20 × 5 डिवाइडेड बाय सबका सम, तो ये 15 × 5 = 20 हो जाएगा, और ये 20 यानी 40 हो जाएगा भाई, काट देते हैं दो बार में, यानी 2.5 ओम। उसी तरीके से R2 की बात करें,
क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट यानी 15 दूनी 30 यानी 300 डिवाइडेड बाय सबका सम, तो भाई नीचे में तो हमेशा 40 ही होगा, 10 से 10 कट गया, यानी कितना हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 7.5 ओम। उसी तरीके से R3 की बात करें तो R3 ये है यानी दोनों का प्रोडक्ट, तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 75/40 काटते हैं भाई कितना हो जाएगा, 5 से काटते हैं इसको, 5×8 = 40 और ये 15 बार में, ठीक है, तो 15/8। तो भाई हम लोगों ने R1 R2 R3 यानी, अब देखिए यहाँ पे मेरा R1 है तो इसका वैल्यू मेरे को यहीं पे लिखना है भाई, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, 2.5। फिर R2 मेरा इधर है तो R2 का वैल्यू कितना है, 7.5 और इसका जो वैल्यू है कितना भाई, 15/8, इसका जो भी वैल्यू आएगा डेसिमल में वो हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम भी देखते चलना है ना। तो अब देखिए ध्यान से, R1 का निकाला गया, R2 का, R3 का, तो देखिए तो भाई अब इसने R1 R2 किसको माना है हम लोग को नहीं पता है, ये R1 R2 R3 ठीक है, R1 R2 R3 यानी जिस तरीके से हम लोगों ने बनाया उसी तरीके से बुक में भी आपका दिया हुआ। तो R1 का वैल्यू देखिए आ गया ना 2.5, यहाँ पे भी आया 2.5, R2 का वैल्यू देखिए भाई 7.5, यहाँ पे है ना 7.5 और इसका वैल्यू करेंगे तो 15/75/40 है ना, आया ना 75/40 यानी इसका वैल्यू निकालेंगे भाई इतने के बराबर होगा। ओके क्लियर हो गया। अब देखिए भाई हम लोग को पता है यहाँ पे कितना है 10 ओम है, ठीक है, ये कितना था भाई, ये 5 ओम था, नीचे में कितना है 2 ओम था, इधर कितना भाई, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, 10 + 5 यानी 15 कर देते इसको डायरेक्ट, है ना, ये 15 हो जाएगा भाई और ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना है भाई आपका 30। तो अब देखिए ये दोनों सीरीज में भाई, तो दोनों का अगर आप करेंगे कितना हो जाएगा 12.5, ये 1, 2, 3 है ना, 25 और 5 = 30 हो जाएगा, यानी इधर जो हो जाएगा आपका 37.5 और इधर देखिए इधर जो आ जाएगा आपके 2 है नीचे में और ये इसका कितना वैल्यू आया था 1.875। तो इसको आप देखिए उसी तरीके से इसका आ गया ना 12.5, इधर आ गया हमारा 37 इतना और इसको जोड़ेंगे तो भाई ये हो जाएगा आपका, इसको जोड़िए ना 2 और इसको भाई, तो इसका करने पे कितना आ रहा है 3.875। ओके बाकी आपका इधर 15 ओम रहेगा, इधर आपका 30 ओम रहेगा भाई और ये इस तरीके से रहेगा, क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, है ना, इधर 15 हो गया, इधर आपका 30 हो गया। तो भाई अगर आप ध्यान से देखें इस वाले को, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करते हैं तो ये अपने आप में ही डेल्टा कनेक्टेड है भाई, सही बात है, क्योंकि अगर आप इस पे आप सोचते हैं भाई कि हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो पता नहीं चले यहाँ से करंट आएगा भाई, अब देखिए फिर आगे फिर ये पता नहीं चल रहा, ये तो ठीक है दोनों पैरेलल लेकिन ये पता नहीं चल पाएगा, है ना, तो थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। तो बेटर है कि भाई जो डेल्टा है इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से बाहर अगर निकालूँ, इसका नेमिंग कर देते हैं फिर से, ये मान लेते भाई आर है, इसको मान लेते एस है, है ना, इस पॉइंट को, और इसको मान लेते हैं टी है भाई। तो इसको अगर मैं बाहर निकालूँ, देखिए R को मैं ऐसे दिखाता हूँ, मतलब अपने हिसाब से हम मॉडलिंग कर सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं R मान रहा हूँ भाई, तो R से एक पॉइंट यानी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड T पे, ठीक है, फिर R से मेरा S के साथ कनेक्टेड एक रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका नेमिंग भी करते चलते हैं, इसका 30 ओम है भाई, 30 है, 3.875 है, ये मेरा S है और S से T के साथ, है ना, ये देख रहे हैं रेजिस्टेंस है ना भाई, तो एक रेजिस्टेंस का एंड T के साथ और दूसरे का एंड S के साथ, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका वैल्यू 37.5, ठीक है भाई, तो ये मेरा डेल्टा कनेक्टेड भाई, इसको स्टार में लेके जाना है, तो स्टार को बना देते हैं यहाँ पे ऐसे, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से इसका नाम दे देते भाई R1 R2 R3। तो भाई R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 का दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सभी का सम भाई, तो 37.5 + 30 + 3.875 ये आ जाएगा R1। उसी तरीके से R2 दोनों का प्रोडक्ट, फिर सबका सम, फिर R3 दोनों का प्रोडक्ट और फिर सबका सम, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे निकाला गया है। और अभी देखे, अभी हम लोग का ये एक्चुअल नेटवर्क था ना भाई, तो एक्चुअल नेटवर्क में क्योंकि ये डेल्टा कनेक्टेड भाई, तो डेल्टा कनेक्टेड को क्या करना है, ये स्टार से रिप्लेस करना है। तो भाई मेरा नेटवर्क कैसा बनेगा,
ये आपका 12.5 वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये एंड कहाँ पे गया हुआ है, टी पे गया हुआ भाई, यहाँ से एक ठीक है 15 ओम, और ये कहाँ पे कनेक्टेड है भाई, आर पे कनेक्टेड है, और ठीक है तो आप देखिए ना इसको हम लोग करना ना, तो एक टी से इसको मान लेते हैं ई पॉइंट पे, ठीक है तो टी से पहले हम लोग एक ई पे लेके जाते हैं, ठीक है ई पे जोड़ते हैं, फिर ई से कहाँ जा रहे भाई, एस पे जा रहे हैं, तो ई पे हम लोग एस पे जा रहे हैं, ओके फिर एस से देखिए है ना, ये तो हो गया ना रेड वाले को भाई, फिर ई से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आर पे जा रहे हैं भाई, ये ई है तो ई से हम लोग कहाँ जाएंगे, आर पे जाएंगे, ठीक है तो इस तरीके का नेटवर्क बनेगा। और अगर आप देखेंगे भाई तो एस से ही मेरा फिर ये बी पॉइंट भी तो कनेक्टेड है, तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे मेरा बी, तो इस तरीके का नेटवर्क बनेगा भाई। ओके इसको आप डेल्टा से जब स्टार में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये नेटवर्क बनेगा, तो इसमें आप देखिए ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सही तरीके से बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा भाई। ठीक है दोनों सीरीज में हो जाएगा और ये वाला भी सीरीज में हो जाएगा, और ये दोनों फेस पॉइंट पे जुड़े हुए तो जोड़ देते भाई, उसके बाद यहाँ पे ऐसे जाएगा और यहाँ से कैसे, क्लियर हुआ। ठीक है तो वही चीज भाई आपका यहाँ पे किया गया, देखिए यहाँ से ए निकाल लिए ना एक पॉइंट, इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यही तो क्या किया गया भाई है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे आप कितना है आपका 12.5, R4 का वैल्यू यहाँ पे है ना इतना, तो भाई दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 14.54, यहाँ पे आप देखिए दोनों सीरीज में है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो भाई आ जाएगा उतना। उसके बाद देखिए हम लोग का इधर वाला है ना, इससे चलते भाई, ये 15 है और यहाँ पे भाई कितना था, यहाँ पे मेरा R3 था, R3 कह रहा मतलब कि किसके बीच में, इसके और इसके बीच में भाई, तो 30 और इसके बीच में, तो ये R6 माना गया है, तो R6 का वैल्यू कितना है 1. तो यहाँ पे कर लिए 1.63, तो दोनों जोड़िए 15 प्लस इतना करेंगे भाई कितना हो जाएगा, आएगा ना इतना। ठीक है भाई दोनों सीरीज में हो जाएंगे ना, ये दोनों सीरीज में था, जैसे यहाँ से करंट जाएगा ना IA, तो भाई इस पॉइंट पे दो पार्ट में टूटेगा, इधर मानते I1 इधर मानते I2, तो भाई I2 दोनों में सेम ही तो जा रहा है, यानी दोनों सीरीज में भाई, तो भाई ये दोनों सीरीज में यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, तो दोनों को जोड़ देंगे भाई तो एक सिंगल रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे, क्लियर हुआ। तो वही चीज़ इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया आपका 14.54, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपका है ना, इसके पैरेलल में रहेगा ये कितना हो जाएगा 16.63, और ये फिर इस पॉइंट पे आगे जुड़े हुए हैं, फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है और आगे का वैल्यू कितना है आपका 15.76, तो बन जाना चाहिए भाई, इसमें कुछ है नहीं है ना, मेन आपका ये कन्वर्जन करना आना चाहिए आपका। ओके तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट आपका किएगा ना स्टेप, देखिए ये दोनों सीरीज में है, दोनों को जोड़ देंगे, फिर ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो इसके पैरेलल कर दिया यहाँ पे डबल लाइन से, उसके बाद फिर ये सीरीज में हो जाएगा भाई, ये सीरीज में कर दिया, आगे कितना 23.5 आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यहाँ पे भाई आपको आर इक्विवेलेंट बताना है किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख रहे भाई ये मेरा स्टार कनेक्टेड है, तो इसको अगर मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर दूं, तो डेल्टा में कन्वर्ट करना, तो क्या इसी में अगर हम लोग बनाए यहाँ पे है ना, एक ये रेजिस्टेंस लगेगा, एक ये रेजिस्टेंस लगेगा और एक ये रेजिस्टेंस लगेगा भाई, सही बात है। उसका नेमिंग कर लेते भाई, मान लेते R1 है, ये मान लेते R2 है, ये मान लेते R3 है। ओके तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है ऊपर जैसे था रेजिस्टेंस वैसे का वैसे ही रहेगा, नेमिंग कर लेते भाई इसको P, इसको Q और इसको R। ठीक है तो भाई देखिए P और Q के साथ मेरा R1 जुड़ा हुआ है ना, ये नीचे है, तो भाई यहाँ पे मेरा P था और इधर मेरा Q था। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग का एक R1 जुड़ेगा, उसका जो भी वैल्यू, अभी हम लोग वैल्यू के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है P से R पे जुड़ा हुआ है, तो P से हम लोग यहाँ पे मान लेते R है, इसका मान R3 रखा गया है, फिर Q से R जो है मेरा ये R2 है भाई, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ से भाई मेरा
एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। ये हम लोगों का नेटवर्क था, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे ये पूरा पूरा पॉइंट एक ही है ना, समझ गए। इसको मैं, ये पूरा पूरा एक ही पॉइंट है ना भाई, इसको मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे एक ही है, नहीं समझते क्या? देख ऐसे पैरेलल कनेक्शन कैसे पता चलता है? पैरेलल के लिए भाई हम लोग देखते हैं भाई, इसका एक एंड और इस वाले रेजिस्टेंस का भी एक एंड, ये दोनों एक ही साथ जुड़ा हुआ है। इसका भी एक एंड और इसका भी मतलब दूसरा एंड एक साथ जुड़ा है, इसका मतलब क्या? दोनों पैरेलल भाई, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है भाई या फिर कोई भी आपका सर्किट एलिमेंट्स है, तो दोनों का अगर एक एक एंड एक साथ और दूसरा जो एंड है ये एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, समझ में आया। तो देखिए दोनों का एक एक एंड यहाँ पे जुड़ा है, दोनों का एक एंड यहाँ पे, तो यानी दोनों पैरेलल में, यानी ये दोनों पैरेलल में है। और उसी तरीके से देखिए ये एक एंड जुड़ा हुआ है यहाँ पे और एक एंड, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल में होंगे भाई, क्लियर हो गया। तो ये करने से हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है भाई, है ना। तो अब देखिए कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे जो स्टार कनेक्ट था जो रेड कलर से हाईलाइट किया, उसको अगर हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर दें, तो भाई मेरा नेटवर्क कैसा बनेगा? नेटवर्क ऐसा हो जाएगा, ये दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लग जाएगा। इसको मिटा के यहाँ पे मैं सिंगल दिखा देता हूँ, है ना, जो भी आपका वैल्यू आएगा पैरल का, पैरल कॉम्बिनेशन का, है ना, उसको लिख देंगे यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा करके, ठीक है भाई, एक ही ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरा थोड़ा छोटा हो गया, अब इस बार हम लोग क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ से ना नीचे ना बी और ये ए, इसमें अगर आप ध्यान से देखें भाई, तो ये एक अगेन एक डेल्टा कनेक्टेड है हम लोग का। अगर हम लोग नेमिंग से दिखाएं यहाँ पे, ये मान लेते भाई मेरा ए है, ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ए ही होगा। ये मान लेते भाई मेरा पी है, ये मान लेते हैं क्यू है, ओके। तो अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूँ, यही है ना, ये पूरा पूरा पॉइंट P है, ये पूरा पूरा पॉइंट Q है और ये पूरा A है भाई मेरा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, ये A है, तो भाई A से मेरा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है P तक, ठीक है, A से P एक रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत। A से फिर Q मेरा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, और P और Q के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो हुआ ना ये डेल्टा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इसको स्टार में लेके जाते हैं। तो स्टार में अगर आप इसको लेके जाएंगे तो भाई कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी ये जो नेटवर्क था भाई, इसका देखिए ए के साथ, है ना, ये स्टार बन गया ना भाई। तो ए के साथ मेरा एक ही मान लेते आर वन है, आर टू है, आर थ्री भाई। तो ए से, है ना, ये ए पॉइंट है भाई, तो ए से मेरा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर वन, जोड़ दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ से भाई आर थ्री और यहाँ से भाई मेरा आर टू। अब देखिए R3 जो है P पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो ये P पॉइंट हो जाएगा। R2 जो है मेरा Q पॉइंट से जुड़ा, तो Q पॉइंट हो जाएगा। और अगर आप इस नेटवर्क में देखें, इस नेटवर्क देखिए भाई कि P पॉइंट से फिर मेरा फादर क्या एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, दिखा दिया। Q पॉइंट से एक फादर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, दिखा दिया। और ये दोनों आपस में ऐसे शॉर्टेड है, ये नीचे है, तो ये A पॉइंट था, ये मेरा B पॉइंट है। तो ईजी बन गया कि नहीं बन गया नेटवर्क? अब आप बता सकते भाई ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और फिर ये दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट, और फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो भाई मेरा नेटवर्क बन जाएगा इजीली, है ना। तो वही चीज़ किया गया भाई कि पहले ये जो रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, इसको हम लोगों ने डेल्टा में कन्वर्ट किया है। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ना, डॉटेड कलर से देख रहे हैं ना हम लोग, दिखा ना भाई हरे कलर से, एक ये एक ये एक ये, तो वही यहाँ पे डॉटेड कलर से दिखाया भाई, एक रेजिस्टेंस ये होगा, फिर एक रेजिस्टेंस ये होगा, फिर एक रेजिस्टेंस ये होगा, ठीक है। फिर हम लोग का ये नेटवर्क कैसा बना, ये नेटवर्क बन गया भाई ऐसा, इस तरीके का। तो भाई यहाँ पे डेल्टा कनेक्टेड है, तो डेल्टा को फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये नेटवर्क है ना भाई, ये मेरा एक्चुअल नेटवर्क था। तो इस नेटवर्क को क्या कर रहे हैं, अब स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे दिखाइए, फिर आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, तो ये इस तरीके का है ना, ये ए के साथ फिर आपका इधर इधर, तो ये तो हम लोग का फाइनल बना भाई। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये दोनों सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और फिर ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर ये R1 के साथ, या फिर जो भी नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर हो गया। तो भाई ये हम लोगों ने कर लिया, अब भाई इसका वैल्यू निकालना आना चाहिए, है ना, ये स्टार से डेल्टा में जा रहे भाई, तो R1 का वैल्यू क्या होगा, देखिए R1 का क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि डेल्टा मेरा बड़ा होता तो सबका प्रोडक्ट भाई, यानी जैसे 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय,
इसका वैल्यू निकाले तो जस्ट अपोजिट वाला लेते हैं, यानी 8 से भागा देंगे। उसी तरीके से R2 की बात करें तो भाई क्या हो जाएगा, ऊपर में तो सबका सेम ही होगा, 5 गुना 8 प्लस 8 गुना 3 प्लस 3 गुना 5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि भाई इसका वैल्यू निकाल रहे हैं ना R2 का, तो R2 के जस्ट अपोजिट साइड में क्या हो जाएगी, 3 वाला से डिवाइड करेंगे। ओके, उसी तरीके से अगर आप R3 की बात करें भाई, तो R3 मेरा ये है तो ऊपर में तो वही रहेगा, 5 गुना 8 प्लस 8 गुना 3 प्लस 3 गुना 5 डिवाइडेड बाय R3 चाहिए भाई, तो जस्ट अपोजिट यानी 5 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, देखिए फर्स्ट टाइम 8 से डिवाइड किया 5 से भाई 3 से, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग का ये जो डेल्टा था है ना, यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करता है, ये जो डेल्टा था भाई पर्पल कलर से जो दिखाया गया है, जिसको हम लोग क्या करना है स्टार में कन्वर्ट करना है, तो R6 का क्या हो जाएगा वैल्यू है ना, इसे हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा भाई। ओके, तो R6 निकाल सकते हैं है ना, सबका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरीके सॉल्व करना है, इसमें जान नहीं है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लास्ट में क्या किया गया भाई, आपका दो इस साइड में दो सीरीज में थे, इस साइड में दो सीरीज में थे, और ये दोनों आपस में पैरेलल में था, और फिर लास्ट में फिर आपका जो ए के साथ जुड़ा था उसको सीरीज में जोड़ के निकाल लिया। अब आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है, लिख रहा है ना अब पाई नेटवर्क, पाई नेटवर्क मतलब क्या है, डेल्टा को ही बोला जाता है भाई, ठीक है ना। तो बोलता है पाई नेटवर्क दिया, फिर एक डेल्टा नेटवर्क दिया हुआ भाई, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एज शोन इन द फिगर, ये हम लोग का फिगर दिया हुआ है। अब बोलता है इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया भाई, सो दैट द रेजिस्टेंस आर एक्स जेड, आर एक्स जेड मतलब क्या, एक्स और जेड यानी इनके बीच से, ठीक ना भाई, एक्स और जेड के बीच से देख रहे हैं भाई, ठीक है, समझ में आया बात को भाई, एक्स और जेड के रेफरेंस को मानते मतलब इस टर्मिनल को देखते हुए निकालना, ठीक है ना। तो भाई इसके हिसाब से देखेंगे तो भाई लिखा है लुकिंग इनटू द एक्स जेड टर्मिनल इक्वल टू द रेजिस्टेंस वाई जेड, लुकिंग इनटू द वाई जेड यानी कहने मतलब क्या भाई, अगर आप इधर से देखते हैं, मान लेते हैं एक्स से जेड की तरफ भाई इसका आर इक्वलेंट निकालते हैं, तो भाई क्या आएगा इसका वैल्यू, आर एक्स जेड आएगा, कोई दिक्कत। और वही अगर आप भाई सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं, आप एक बार इधर से वाई से लेके जेड तक के बीच में देख रहे हैं, ठीक है, वाई से लेके जेड तक के बीच में देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है ये मिल रहा है, यानी इधर से देखने का मतलब है, इधर से जब आप देख रहे भाई तो इतना रेजिस्टेंस मिल रहा है, और इधर से जब आप देख रहे भाई तो इतना रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बोलता भाई दोनों रेजिस्टेंस जो है ना, लिखा ना इफ दैट रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 1 किलो ओम, ठीक है भाई, और ये दोनों आपस में बराबर है, देखिए लिखा ना इक्वल द रेजिस्टेंस ऑफ इतना, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं आर एक्स जेड, यानी इधर से देखने पे भाई, एक्स से जेड तक देखने पे भाई मेरा जो वैल्यू आई है, और इधर वाई से लेके जेड तक देखने पे जो आर इक्वलेंट आई है ना, ये दोनों आपस में बराबर है भाई, और इनका जो वैल्यू कितने के बराबर है, 1 किलो ओम के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर डेल्टा, आर डेल्टा मतलब भाई ये जो रेजिस्टेंस लगे हुआ ना इसका क्या वैल्यू होगी आपको बताना है। ओके, तो कैसे सॉल्व करें, तो भाई हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भाई जैसे यहाँ से चलते हैं, मान लेते हैं एक्स को लेके चल रहे हैं, जेड को लेके चल रहे हैं, ठीक है, इधर चलेंगे भाई तो सीधी सी बात है एक करंट इधर जाएगा एक करंट इधर जाएगा, है ना, मान लेते आई वन इधर आपका आई टू, इधर से आ रहा था आई, ओके, यहाँ पे फिर आएगा फिर अगेन, है ना, इधर तो ओपन हो गया भाई, इधर कोई करंट जाएगा नहीं, इसका मतलब इधर आएगा पूरा करंट इधर आएगा और ये इधर आएगा, है ना, तो इधर आके मिलेगा। तो इसको और ईजी करने के लिए क्या कर रहे हैं भाई, इसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट करते हैं पहले, तो ये डेल्टा दिया हुआ तो उसको स्टार में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टार कैसे बनेगा देखें हम लोग, एक मिनट उसका नेमिंग कर लेते हैं पहले, ये तो पूरा एक ही पॉइंट है भाई, इधर तो ओपन हो गया ना, इधर भी ओपन हो गया, इधर कोई करंट बहेगा नहीं क्योंकि यहां से लेके यहां तक देख रहे हैं ना भाई, समझे, यानी यहां से करंट जाएगा आई एम्पीयर तो भाई इधर निकलेगा, इसका मतलब ये इधर ओपन हो गया, इधर मेरा ओपन हो गया, कोई दिक्कत। तो अभी आप देखिए भाई ध्यान से नेमिंग करते हैं इसको, ये पूरा पॉइंट एक ही है भाई, इसका नाम देते हैं ए, इसका मान लेते हैं बी, और इस वाले पॉइंट का भाई मान लेते हैं सी। तो अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो नीचे में भाई मेरा ए पॉइंट है, ए से मेरा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बी के साथ, तो ऐसे दिखा देते हैं, है ना, ये पॉइंट मेरा बी है भाई, और बी से फिर मेरा एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सी के साथ, और सी से फिर मेरा कनेक्टेड है ए के साथ, ये है इस तरीके का भाई, ठीक है, आर डेल्टा और ये आर डेल्टा, ठीक है, तो ये इस तरीके का डेल्टा कनेक्टेड है भाई,
बी पॉइंट से मेरा एक्स निकला हुआ है और ए पॉइंट से भाई मेरा जेड निकला हुआ है, तो भाई इसको मुझे स्टार में लेके जाना है। तो स्टार के लिए क्या करते हैं, इसे पहले मिटाते हैं यहाँ पे, इसको आप ऐसे दिखा दीजिए स्टार के लिए, समझ में आया। तो भाई मेरा नेटवर्क कैसा बनेगा बताइए, यहाँ पे ये तो डेल्टा को हम लोगों ने स्टार में कन्वर्ट कर दिया ना भाई, तो जो ब्लैक कलर का जो है ना बचा हुआ वही मेरा मेन नेटवर्क बनेगा। ठीक है, ये मेरा इस तरीके का नेटवर्क बनेगा जो ब्लैक में बच गया आपका, क्लियर हो गया। इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे भाई। अब क्योंकि भाई सबका वैल्यू देखिए आर डेल्टा आर है ना, सबका भाई आर ही है ना, आर आर आर, तो भाई डेल्टा से स्टार में जा रहे तो भाई इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बटा तीन हो जाएगा। सबका मान क्या हो जाएगा, आर बटा तीन, आर बटा तीन और आर बटा तीन, ये मेरा एक्स है और ये मेरा जेड है भाई, क्लियर हो गया। तो आपके बुक में भाई यही चीज़ किया गया है, देखिए डेल्टा को हम लोगों ने स्टार में कन्वर्ट कर दिया, इनका मान आर बटा तीन, आर बटा तीन, आर बटा तीन हो गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग भाई क्वेश्चन में, क्या बोला कि भाई हम लोग एक्स से यानी इधर से पहले देखते हैं, पहले इधर से देखते हैं, तो इधर से देखने से हम तो क्या एक्स से लेके जेड तक देखें भाई, ओके। तो भाई ये मेरा नेटवर्क यही बनेगा ना, क्योंकि भाई एक्स से लेके जेड तक के बीच का मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए, इसका मतलब क्या, इधर मेरा ओपन हो गया, इधर कोई करंट नहीं जाएगा भाई, ये ओपन है, इधर भी कोई करंट नहीं आएगा, इधर ओपन है, समझे। तो ये मेरा रेड कलर से जो हाईलाइट किया ये मेरा नेटवर्क बनेगा। तो अब देखिए सीरीज नेटवर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो भाई अगर हम लोग इधर से देखते हैं, इधर से तो भाई इधर का जो रेजिस्टेंस होगा एक्स से लेके जेड तक क्या हो जाएगा, दोनों का सम यानी आर बटा तीन प्लस आर बटा तीन भाई क्या हो जाएगा आपका, तीन एलसीएम ले लेंगे, टू आर बाई थ्री आया ना, टू आर बाई थ्री, समझे। एक्स से लेके जेड तक अगर आप रेजिस्टेंस देखते हैं, तो उसी तरीके से अगर आप भाई इस बार इधर से देखते हैं यानी वाई से लेकर के हम लोग जेड तक देख रहे हैं भाई, यानी इस तरीके का नेटवर्क बनेगा आपका इस बार, तो इधर मेरा ओपन, ये भी ओपन, तो भाई इधर से देखिए देखने पे भी क्या होगा आपके, दोनों सीरीज में, इसका मतलब दोनों का सम आर बटा तीन प्लस आर बटा तीन मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वाई से लेके कहाँ तक, जेड तक, तो भाई क्या हो जाएगा, टू आर बटा तीन, यही तो है आपका टू आर बटा तीन। इधर से देखिए या फिर इधर से देखिए भाई, यही क्वेश्चन में भी लिखा था और ये दोनों आपस में बराबर है भाई, क्वेश्चन में लिख दिया भाई रेजिस्टेंस जो है आपका दोनों बराबर है ना, और इनका वैल्यू जो है आपका दिया हुआ था भाई। तो यही चीज आपका देखिए यहाँ पे किया गया है कि भाई ये जो आया ये कितने के बराबर होगा, टू आर अपॉन थ्री जो होगा कितने के बराबर होगा, वन किलो ओम के, तो भाई यहाँ से आर का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, कितना हो जाए इधर थ्री किलो ओम डिवाइडेड बाई टू यानी 1.5 किलो ओम आ जाएगा भाई, ठीक है। और क्योंकि भाई तो अगर आप सॉल्यूशन देखें यहाँ पे ये ना ये दोनों आपस में बराबर थे भाई, इधर से देखिए फिर इधर से देखिए भाई इनका मान कितना है, इतना ही आया, इतने के बराबर दोनों आपस में बराबर है ना, इसका मान इतना ही आ रहा है, इधर से देखने में इतना ही आ रहा है, तो दोनों आपस में बराबर है, इनका वैल्यू क्या हो जाएगा कितने के बराबर, 1 किलो, तो भाई आ गया 1.5 किलो। तो इस तरीके सॉल्व करना भाई। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई हम लोग का ये नेटवर्क दिया हुआ है, ओके। अब इसमें बताना फाइंड द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेटवर्क शोन, यानी करंट डिस्ट्रीब्यूशन कहने मतलब क्या है भाई कि मेरा एक्चुअल नेटवर्क है, तो भाई बताइए जैसे ये ओ बी है ना, तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, ये ओ ए है तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा ये बताना है, ये आपका बी ए है या फिर कहिए, अब डिपेंड करता है यहाँ का हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल, तो हमेशा करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऐसे जाएगा। अगर वही भाई मान लेते हैं इसका पोटेंशियल हाइयर है इसका लोअर है, तो करंट मेरा ऐसे जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इस ब्रांच में नहीं, ए बी एफ के बी ए में कितना करंट बहेगा वो बताना है, इस वाले ब्रांच में कितना जाएगा ये बताना है, इस वाले में कितना जाएगा ये बताना है, यानी हर एक ब्रांच में भाई कितना करंट फ्लो होगा ये एक तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग भाई इसको थोड़ा सिंपल तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो नेटवर्क है भाई हम लोग का, इसको हम लोग सबसे पहले स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, तभी तो सीरीज पैरेलल बता पाएंगे। तो भाई स्टार में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा भाई, है ना, यानी जो ग्रीन वाला है ये मेरा मेन नेटवर्क बनेगा और यहीं से मेरा ए पॉइंट निकलेगा, है ना, यानी यहाँ से करंट मेरा इनपुट होगा 1 एम्पियर और इधर मेरा फिर निकलेगा सी पॉइंट्स, ओके। तो यहाँ से देखिए ऐसा बनेगा,
ये वाला यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक ये, फिर यहाँ से भाई ऊपर गया हुआ है बी पॉइंट पे, फिर एक ये ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ए पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए बी से सी मेरा एक, ठीक है, फिर ए से भाई मेरा सी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से निकला हुआ है। तो कुछ इस तरीके का नेटवर्क बनेगा भाई, है ना। ये वन, ठीक है, एक रेजिस्टेंस एक, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, फिर एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा करने से ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, और फिर ये दोनों का पैरेलल हो गया, फिर एक सिंगल, है ना। सबसे पहले सर्किट को हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल बनाया भाई। कैसे, तो जो रेड कलर से हाईलाइट के जो कि डेल्टा है भाई, इसको हम लोगों ने स्टार में कन्वर्ट कर दिया, ओके ना। तो स्टार में कन्वर्ट कर दिया, अब देखिए भाई इधर से मेरा करंट आ रहा था एक एम्पियर, तो सीधी सी बात है इधर कितना जाएगा, इस वाले ब्रांच में कितना जाएगा भाई, इस वाले ब्रांच में कितना जाएगा, या फिर इस वाले ब्रांच में कितना जाएगा, तो करंट डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो वही चीज़ किया गया भाई, देखिए यहाँ पे, और R1 का वैल्यू यहाँ पे निकालना पहले, क्योंकि डेल्टा से स्टार में जा रहा है भाई, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे इसका वैल्यू निकालना है इस वाले का, तो क्या हो जाएगा आपका, मान लेते हैं R1, तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट सामने सामने, तो इसके सामने वाला कौन सा है, दोनों यानी 2 × 3 डिवाइडेड बाय सबका सम भाई, 3 × 2 = 5 + 6, ठीक है। तो उसको काट देते हैं दो बार में, ऐसे भी 1 आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू 1 आएगा, ऊपर में जो था इसका वैल्यू 1 आएगा, उसका इसका निकालना है इसका। तो भाई दोनों का प्रोडक्ट यानी 2 × 1 / 6, यानी कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, इस वाले का, और एक आपका इधर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 3 × 1 / 6 क्या हो जाएगा आपका, 3/2, यानी 1/2, ठीक है भाई। तो एक आएगा 1, एक आएगा 1/3, एक आएगा 1/2, देखिए 1/3, 1/2 को हम लोग 0.5 बोल सकते हैं, है ना, 1/3 और 1/2 यानी 0.5, और एक आपका 1 आ गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे इसका वैल्यू लिख दिया, अब इसको तो भाई इजीली कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा ना करंट इन पीए, पीए का मतलब क्या भाई, इस वाले ब्रांच में इधर कितना करंट जाएगा भाई, तो देखिए इधर से जो करंट आया टोटल 1 एम्पियर, तो भाई 1 × बगल वाला, तो बगल वाला रेजिस्टेंस जोड़ दिए, 4 + 1 = 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा ऊपर में 4, यानी 4 + 1 = 5, और इधर 5 × 2 = 10, और 10.5 हो जाएगा भाई, देखिए नीचे में जोड़िए 5 हो गया, 5 × 10 यानी बिल्कुल सही है, तो इतना आ गया करंट, यानी इधर आ गया भाई मेरा इतना करंट। उसी तरीके से ऊपर में कितना जाएगा, ऊपर वाला यानी इधर इस वाले ब्रांच में कितना जाएगा भाई, तो टोटल करंट है ना, या फिर इसने डायरेक्ट कर लिया भाई, माइनस कर लिया भाई, इधर से मेरा 1 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर जो करंट गया कितना पता चल गया मेरे को, 0.477, तो भाई इधर कितना जाएगा, तो 1 में से इसको घटा देंगे तो ये आ गया इतना, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको सीधे से सिंप्लीफाई करना है, इसमें कुछ है नहीं, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है भाई। उसी तरीके से देखिए करंट आ गया ना हम लोग का, अब देखिए यहाँ पे लिखा वोल्टेज ड्रॉप इन पीबी, पीबी क्या है मेरा, पीबी क्या है भाई, ये है पी से लेके बी तक पीबी, यानी इस वाले रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप हो रहा है, जो भी ड्रॉप होगा भाई, जो बचेगा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आएगा, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए ऐसे इसको समझिए भाई, हम लोग को भाई ये भी तो देखना ना इधर कितना करंट जा रहा है, तो बी और ए का मुझे पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का कुछ पोटेंशियल हो जाए, मान लेते वी भी है, यहाँ का मान लेते वी है भाई, और दोनों का डिफरेंस लेने पे मुझे क्या मिल जाए, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो उसी हिसाब से करंट आएगा ना भाई, समझ गए। तो हम लोग यहाँ का पोटेंशियल निकाल रहे हैं भाई, इस पॉइंट का कितना पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का कितना पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल वहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ओके। तो वही यहाँ पे किया गया भाई कि इसमें कितना ड्रॉप होगा, फिर इसमें कितना ड्रॉप, यानी ड्रॉप इन पीबी और ड्रॉप इन पीए, क्योंकि भाई इधर का मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, इधर करंट कितना गया है मुझे पता है, समझ में आया, इधर का रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे पता है, इधर करंट कितना है, अभी जस्ट हम लोग निकाला नीचे में, तो वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे भाई, तो वोल्टेज ड्रॉप देखिए निकल गया पीबी का और पीए का। अब जो वोल्टेज होगा क्या है, वीएबी भाई, वीएबी कहना मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का दोनों को माइनस कर देंगे भाई, जो बड़ा होगा उसमें से, है ना, तो बड़े में से उसको घटा दे भाई, ये हमारा गया वीएबी, क्लियर हो गया। अब देखें, अब हम लोग भाई करंट चाहिए, क्या लिखा है, करंट आईएबी, आईएबी कहना मतलब क्या, इस वाले का, है ना, मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा, इसलिए आईएबी यानी यहाँ से आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका देखें वोल्टेज मुझे पता चल गया, और रेजिस्टेंस कितना था, 3 था, यहाँ पे 3 ही तो है भाई, ये 3, तो आ जाएगा हम लोग का इतना। उसी तरीके से करंट इन ओबी, ओबी की बात करते हैं भाई, ओबी क्या है, ओबी देखिए ये है भाई मेरा ओबी, है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो इधर का तो करंट पता चल गया, ये हमेशा ऐसे जाएगा, देखिए ओबी के लिए क्या किया यहाँ पे, करंट इन बीसी माइनस करंट इन एबी,
तो BC क्या है भाई, BC यानी इधर का मुझे करंट पता है ऑलरेडी, है ना, BC माइनस AB, ठीक है भाई, सही बात है। तो इधर से कितना करंट जा रहा है, देखिए इधर से जो भी करंट आ रहा होगा भाई वो क्या हो जाएगा, कुछ करंट इधर गया होगा, और ये क्योंकि भाई इस तरीके से चढ़ रहा ना, तो यहाँ पे KCL लगा दिए, सीधे सीधे KCL लगा दिए ना, आपका आ जाएगा भाई, ठीक है। ये आपका इनकमिंग करंट है, ये भी आपका इनकमिंग करंट है, और ये मेरा आउटगोइंग करंट होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा और बाकी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक एक करके आपका ये निकाला गया, थोड़ा सा पॉज करके भाई अब देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ये तो पूरा कैलकुलेशन है ना, इसमें कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट। देखिए भाई इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द करंट इन 10 ओम रजिस्टर, यानी इसमें आपको करंट बताना भाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क थोड़ा छोटा कर रहे हैं, कैसे, ये दोनों देखिए सीरीज में दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों देखिए सीरीज में दोनों जुड़ जाएंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 8 4 12, और इधर हो जाएगा 17 13 30 हो जाएगा भाई, जोड़ दिया इस तरीके से, बाकी जैसा था वैसा का भाई छोड़ दिया हम लोगों ने। ओके, तो पहला आपका जो दिया है सॉल्यूशन में यही किया गया भाई, ठीक है ना, इस तरीके से जोड़ दिया हम लोगों ने। अब क्या कर रहे हैं, जो किनारे किनारे भाई, ये देखिए ये वाला अपने आप में डेल्टा है, और ये वाला भाई अपने आप में डेल्टा है, तो इनको क्या कर रहे हैं, स्टार में कन्वर्ट कर रहे। तो स्टार में कन्वर्ट करते कैसे बनेगा, ओके, इस तरीके का बनेगा आपका, या फिर ऐसे नहीं समझ में आता भाई तो उसको बाहर निकाल दीजिए, आप नेमिंग कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, उसको बाहर निकालिए, बारह है, बारह है और बारह है, ये आर है भाई, क्यू माना है, पी माना है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हम लोग, क्यू को हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से, ओके, क्यू से मेरा आर में कनेक्टेड है, मतलब ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिए भाई, क्यू से फिर पी में कनेक्टेड है, ठीक है, क्यू से पी में कनेक्टेड है, और देखिए आर और पी जो है एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, जोड़ दिया इस तरीके से। अब इसमें भाई स्टार लगा दीजिए इस तरीके का, कलर चेंज करते हैं, ओके, और सारा का रेजिस्टेंस का मान सेम है भाई, क्या हो जाएगा, डेल्टा से स्टार में जा रहे तो 12/3, तो 12/3 का मतलब 4 ओम, तो इसका मान 4 हो जाएगा, इसका भी मान 4, इसका भी मान 4, ठीक है। अब इसको एक तरीके से भाई हम लोगों को नेटवर्क में कन्वर्ट करना, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए इसमें अगर आप देखते हैं भाई तो कुछ इस तरीके का बनेगा आपका, ये मेरा ठीक है इस तरीके का, और 30 30 30, तो 30 डेल्टा से स्टार में तो 30/3 यानी 10 10 आएगा इसका, 10 10 और ये 10, क्लियर हुआ। तो अब देखिए सर्किट कैसे बनाते, तो नेमिंग किया हम लोगों ने, तो देखिए पी, तो पी से भाई मेरा देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है ना, पी से ठीक है एक रेजिस्टेंस, और ये जुड़ा हुआ है क्यू के साथ, ठीक है, इसको मान लेते हैं पी है, इसको मान लेते हैं क्यू है भाई, और ये मान लेते हैं मेरा, या फिर इसी डायग्राम में भी रहने कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से कर सकते हैं भाई, इसी को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, पी है, क्यू है, आर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आर के साथ मेरा जुड़ा हुआ है एक 3400, आर के साथ जोड़ देते हैं 3400, ठीक है, क्यू के साथ मेरा जुड़ा हुआ है 10 ओम, जोड़ देते हैं भाई 10 ओम, पी से अगर आप देखेंगे तो भाई 180 वोल्ट का टर्मिनल निकल रहा है, यानी इधर दिखा देते हैं 180 इधर दिखाएंगे, है ना भाई, ओके, उसके बाद देखिए 3400 ओम के साथ आपका, क्योंकि अब ये स्टार कनेक्टेड हो गया ना भाई, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ए बी और ये सी इस तरीके का। तो भाई देखिए ये जो 3400 ओम है, 3400 ओम का एक रेजिस्टेंस ए के साथ जुड़ा हुआ है ना, और इसको मान लेते हैं जी, ठीक है, तो ये आपका ए के साथ पहुंच रहा है, और ए से एक रेजिस्टेंस जी के साथ जुड़ा हुआ भाई, तो जोड़ देते हैं, ओके, उसके बाद देखिए ये जो 10 ओम है, क्यू जो है 10 ओम के साथ जुड़ा था, 10 ओम जो है बी के साथ मिल रहा है, यहाँ पे बी है मेरा, और बी जो है भाई एक रेजिस्टेंस के साथ यानी जी के साथ जाके मिल रहा है डायरेक्ट, ऐसे जोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए भाई
जी से एक रेजिस्टेंस निकल रहा है और ये सी से मिल रहा है, और सी जो है भाई मेरा फिर आगे जाके एक बैटरी से कनेक्टेड है। ये मेरा ओवरऑल नेटवर्क बना भाई, समझ में आया? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यही चीज़ तो बना है यहाँ पे, एक दो तीन ये सीरीज में है, यहाँ पे देखें एक दो तीन ये सीरीज में आ गया, और नीचे में देखिए एक दो तीन, नीचे में देखिए एक ये है ना रेजिस्टेंस यहाँ पे भाई, तो एक दो तीन ये सीरीज में, अब इनका वैल्यू जो होगा हम लोगों को निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम लोग निकालना सीख रखा है, तो बुक में भी आपका देखिए डायरेक्ट करके यहाँ पे दे दिया भाई कि सब वैल्यू इतना इतना है ना, बार बार आपको बच्चे की तरह नहीं बताया जाएगा भाई निकालने के लिए, क्लियर हुआ? तो भाई ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, फिर इसके पैरेलल में हो जाएगा, तो इतना आ गया जोड़ने पे भाई, इतना है इतना है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेंगे और फिर ये सबका सीरीज में हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आठ टोटल आ गया इतना। करंट की बात करें भाई, वोल्टेज दिया था 180/30 करेंगे तो भाई 6 एम्पीयर करंट आएगा, क्लियर हुआ? अब आगे क्या पूछा, 10 ओम के क्रॉस पूछा है ना, तो भाई ये मेरा टोटल करंट आ गया, ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब क्या बोलता है, वोल्टेज क्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता ना, तो I यानी 6 एम्पीयर। अब देखिए क्या किया गया है, यहाँ से चला I एम्पीयर, ठीक है भाई, तो मुझे वोल्टेज निकालना, वोल्टेज क्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनके क्रॉस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना वोल्टेज होगा ये हम लोग को निकालना है भाई। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, V इक्वल टू आई इंटू आर, तो भाई इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है ना यहाँ पे, यानी 48 गुना, मतलब सीरीज नेटवर्क बन जाएगा ओवरऑल, 48 गुना 24 और दोनों को जोड़ेंगे भाई, ठीक है, 8×4 12 हाथ मेरा है 4×6 72, ठीक है, तो काट देंगे जो भी वैल्यू आएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, सीरीज नेटवर्क बनेगा। तो सीरीज नेटवर्क भाई पता है करंट आ रहा है, तो भाई है ना यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस बन जाएंगे ना, एक 4 ओम का और एक इनका कॉम्बिनेशन और एक 10 ओम का, भाई तो सारा आई एम पे, तो भाई यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है नहीं निकाल सकते, तो भाई ये आई इंटू आर कर लिया 96 वोल्ट, ओके, इसको निकाल करंट इन 10 ओम रजिस्टर, तो उसके लिए फिगर कौन सा देखना भाई, 3.253, ठीक है, इसका फोर्थ फिगर देखना है ये वाला, ओके, क्योंकि ये जो 10 ओम है ना यहीं पे है ना भाई, देखिए ये है ना 10 ओम यहाँ पे, इसके क्रॉस मेरे को करंट बताना है, तो इनको जोड़ने में ही तो भाई आया था, तो इधर जो भी करंट आएगा यानी इसमें जो भी करंट आएगा वही आपका 10 ओम से जाएगा, यानी इसके अंदर जो भी करंट बहेगा भाई, इसे समझिए आप भाई, कहना मत है ना, पहले हम लोग वोल्टेज 96, तो 96 कैसा होगा इसके पास का वोल्टेज, लेकिन भाई ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, दो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है ना, यानी इन दोनों के क्रॉस कितना हो जाएगा, 96 वोल्ट हो जाएगा, समझे? तो इसके क्रॉस 96 है तो भाई करंट कितना आएगा बताइए, 96/24 करें तो 4 एम्पियर, तो ये 4 एम्पियर क्या हो रहा है, इसको फिर ओपन करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि भाई ये जो 24 बना है किससे बना है, इन सबको जोड़ने के कारण बना है, समझ में आया, 10+20+4 24, ठीक है, तो ये जो करंट आ रहा है 4 एम्पियर ये एक्चुअल में इसी में जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से भाई आपको सॉल्व करना है, बेसिक पता रहेगा भाई, है ना, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग फादर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कल जो रहेगा आपका लास्ट रहेगा भाई, और इसके बाद हम लोग एसी नेटवर्क में चले जाएंगे।